हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नरेंद्र साइकिल ब्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम काफ़ी दिन बाद अपना ब्लॉग्स बनाने आ रहे हैं वापस से, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मेरे को ब्लॉग्स बनाए हुए, क्योंकि तबीयत ख़राब हो गई थी। जो लुधियाना से नॉन स्टॉप 435 किलोमीटर साइकिलिंग की थी, उसके बाद तबीयत बिल्कुल ख़राब हो गई थी। रिकवर हुआ हूँ अब वापस से। आज वार भी बड़ा अच्छा है, मंगलवार है, बालाजी भगवान का वार है। तो आज हम चलेंगे बालाजी महाराज के टेम्पल और वहाँ का हम आपको ब्लॉग्स दिखाएंगे, जो कि मेरे गाँव का बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है। और मैं अपनी हर यात्रा वहीं से ही शुरुआत करता हूं। आपने काफ़ी वीडियोज में देखे होंगे, तो आज हम वहीं से शुरुआत करेंगे एक नए ब्लॉग्स की। तो आप हमारे ब्लॉग्स में जुड़े रहें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय श्री राम। जो आपको सामने पहाड़ी के ऊपर दिख रहे हैं, छोटी सी पहाड़ी के ऊपर बालाजी महाराज का टेम्पल बना हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा व्यू जाता है वहाँ से। और अरावली पर्वतमालाओं के बीच मेरा गांव है, क्योंकि चारों तरफ अरावली पर्वतमाला है। तो अभी हम चलेंगे और ये टेंपल के बाहर का व्यूज है। अभी हम अंदर चल के आपको एक चीज़ दिखाएंगे। बाकी एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही प्राचीन मंदिर बताया जाता है बालाजी महाराज का, और बालाजी गौशाला के नाम से यहाँ पर गौशाला भी है। आप मेरे पिछले ब्लॉग्स में देखे होंगे, मकर संक्रांति पे और वैलेंटाइन डे पे मैंने गौ सेवा के लिए यहीं आया था। तो अंदर चलेंगे, आपको टेंपल दिखाएंगे और गौशाला भी दिखाएंगे, तो आप ब्लॉग्स में जुड़े रहें। और ये पूरा व्यूज आप देखिए मेरे गांव का, जो कि बिल्कुल अरावली पर्वतमालाओं के बीच बसा हुआ है, पूरी हरियाली के बीच समाया हुआ है मेरा गाँव। ये हमारे बालाजी महाराज का मेन एंट्री गेट, प्रवेश द्वार है, श्री बालाजी गौशाला। आपको देखा होगा गौशाला के बारे में लिखा हुआ है। तो ये हमारा टेंपल में एंट्री हो चुकी है हमारी, अंदर चलेंगे। और टेंपल तीन सुखियों की कतारें द्वार पे लंबी, आपकी महिमा को सुनकर आया हूँ मैं भी। मैं हूँ निर्बल बल, बुद्धि का दान करो, पवन तनय संकट मोचन कल्याण। तो अपन टेंपल में एंट्री कर चुके हैं, तो दो रास्ते हैं, एक नीचे की तरफ से, ऊपर की तरफ से। और इधर ये गौशाला है, जो कि दूध देने वाली गाय इधर रहती हैं। बाकी काफ़ी 5-6 बाड़े हैं गायों के, वो भी आपको दिखाएंगे। आपको घंटे की आवाज़ तो आई रही होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। मैंने आपको पहले बताया था बड़ा ऐतिहासिक टेंपल है, और ये प्रिंटिंग आप देख रहे हो इधर, ये वाली प्रिंटिंग आप देख के समझ गए होंगे कब की प्रिंटिंग है, जब भगवान लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तब बालाजी महाराज संजीवनी के लिए पर्वत उठा के लाए थे, वो प्रिंटिंग है यहाँ पे। हिंदू बनना सीखो, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे, अरे हिंदू धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे। जय श्री राम। जय श्री राम। ये राम दरबार, ये आरे का सारा बाबा श्याम हमारा। तो जय श्री श्याम कमेंट में जरूर लिखे, जय श्री श्याम, जय श्री राम। तो अभी फागन भी स्टार्ट हो गया है, खाटू श्याम मेला स्टार्ट होने वाला है, तो वहाँ भी चलेंगे। तो यहाँ भी अभी पहले भगवान के चरण स्पर्श करते हैं और फिर चलेंगे खाटू धाम। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय श्री। Thank you.
अब हम चलेंगे मांजनी के दरबार में। तो ये अपने गांव के गौशाला है, पहले भी काफ़ी मेरी वीडियो में आप देख चुके होंगे, और आज फिर से मैं आपको अपनी गांव की गौशाला से परिचित करवाता हूँ। बहुत सारी गायें हैं इसमें, और तो एक ही बाड़ा है, बहुत सारे बाड़े जो आपको पीछे दिख रहा है जस्ट वो एक बाड़ा है इधर जो साइड में है, क्योंकि जिन जिन बाड़ों की सफाई करते हैं तो उनको गाय को है ना एडजस्टमेंट कर देते हैं। अब जैसे वो बाड़ा आज सफाई की है तो इधर वाली भी कर दिया, आपको पीछे भी गायें दिख रही है। और जो मेरा गांव है आपको मैंने पहले बताया, बिल्कुल अरावली पर्वतमाला के पास में है, सनसाइट हो गया है पीछे की तरफ, तभी अंधेरा होने वाला है। और आप देख रहे हो काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं, और ये गार्डन अभी जो सूख गया है, अभी जैसे गर्मी आएंगी वापस से पानी वानी प्रॉपरली, क्योंकि सर्दियों में तो पानी की इतनी चाहत नहीं होती है पेड़ों को, जैसे अब गर्मी आएंगी तो बराबर जो पाइपलाइन आपको दिख रही है तो हो जाएगी इनकी। और गायों के लिए आप देख रहे हो अच्छा पानी, डेली पानी भरा जाता है। तो अगर आपको ब्लॉग्स अच्छा लगा हो तो बालाजी महाराज की लास्ट दर्शन करते हैं और चलते हैं। और हमारे जो बाबा हैं बड़े बुजुर्ग, ये भी आते हैं हर मंगलवार को, इनकी एज बहुत ज़्यादा होगी बट फिर भी हर मंगलवार को ही आते हैं, क्योंकि जो राम नाम में है वो कहीं भी नहीं है। तो हम भी चलते हैं अपने घर की तरफ, तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें, तो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, भाई को प्यार करें, सपोर्ट करें, जल्दी अपना अयोध्या